12 साल के बाद एक बार फिर से भारत वर्ल्ड कप एक दिवसीय मुकाबलों की मेजबानी करने वाला है। इस समय एशिया कप चल रहा है और भारत एशिया कप को अपनी झोली में डालते हुए वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन इसी बीच वर्ल्ड कप के लिए भारतीय जो दल है उसकी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि भारतीय टीम में कप्तानी है वो रोहित शर्मा को सौंपी गई है। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है। शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को भारतीय टीम में जगह मिली है। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। भारत जहां वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है वह 8 अक्टूबर को खेलेगा, तो वहीं 14 अक्टूबर को इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा। ऐसे में वर्ल्ड कप में जो भारतीय टीम की घोषणा की गई है, उनके खिलाड़ियों का जो चयन किया गया है, इस पर आज एक खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य आत्रे मौजूद हैं। आदित्य, वर्ल्ड कप स्क्वाड की घोषणा हो गई है, साल 2011 का दिन, MS धोनी का वो छक्का और वर्ल्ड कप का भारतीय झोली में गिरना, क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा? बिल्कुल, उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2011 में जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ, एक दिवसीय वनडे फॉर्मेट में जब वर्ल्ड कप खेला गया, तो भारत ने जो वो वर्ल्ड कप था वो यहाँ जीता था। और एक बार फिर से लगभग 11 साल के बाद एक बार फिर से जो मेजबानी है भारत को सौंपी गई है, तो पूरी तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय टीम जो है एक बार वैसा ही प्रदर्शन करेगी और जो वर्ल्ड कप है वो अपने नाम यहाँ पर करेगी। लेकिन देखिए, पिछले कुछ मुकाबलों की बात करें, जिस तरह से वनडे टीम में जिस तरह से मुकाबले खेल रही है भारतीय टीम, तो उसमें कहीं ना कहीं संशय लगातार बरकरार यहाँ पर है। हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी आपने देखा था, भले ही जो टीम है उसकी घोषणा BCCI की ओर से कर दी गई हो, लेकिन चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे विराट कोहली हो, सूर्य कुमार यादव हो, हालांकि सूर्य कुमार यादव को अभी तक एक भी मैच नहीं खिलाया है एशिया कप में, ईशान किशन हो, तो ऐसे कुछ बड़े नाम हमारे पास जरूर हैं, लेकिन कुछ कमजोरियां हैं उनकी, वो शायद यहाँ पर दूर नहीं हो पा रही है। तो अगर हम हमारी जो वीकनेस है, हमारे बल्लेबाजों की वीकनेस, अगर उस पर काम होगा, अगर उसको हम बेहतर तरीके से सुधार सकते हैं, तो उसके बाद जो वर्ल्ड कप है वो ज़्यादा दूर नहीं है। आदित्य, 15 सदस्य इस दल की अगर बात की जाए तो 5 बैट्समैन, 2 विकेट कीपर, 5 तेज गेंदबाज, 3 स्पिनर शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही 4 ऑलराउंडर को जो हैं, इनमें से 4 ऑलराउंडर हैं। अगर स्पिन अटैक की बात की जाए तो एक ही स्पिनर को जगह दी गई है, जबकि जो 3 स्पिनर हैं वो एज ए ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, और इसके अलावा अगर बात की जाए हार्दिक पांड्या, ये ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हैं। बिल्कुल, ऑलराउंडर की बात करें तो अच्छे ऑलराउंडर हमारे पास इस टीम में है। हार्दिक पांड्या जिस तरह से IPL में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, और एशिया कप में भी अब गेंदबाजी का जो है जिम्मा उन्होंने संभाला है। इसके पहले जो सीरीज कुछ उन्होंने विभिन्न देशों के साथ खेली, उसमें भी लगातार गेंदबाजी का जिम्मा उन्होंने संभाला और बताया कि क्यों उनकी ज़रूरत है। मिडिल ऑर्डर के अंदर हार्ड हिटर हैं, गेंदबाजी से भी कमाल दिखा सकते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन एक नाम जो था उस पर लगातार जो चर्चा थी वो होती हुई नज़र आ रही थी कि यजवेंद्र चहल जो लेग स्पिनर थे, पर्टिकुलर हमारे पास कोई लेग स्पिनर इस स्क्वाड के अंदर नहीं है, तो यजवेंद्र चहल को यहाँ पर नहीं रखे जाने के बाद काफी जो भारतीय पिचों पे काफी सफल रहे हैं उसके बावजूद। देखिए, स्पिन पिचेस माने जाते हैं भारतीय, जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ स्पिनर्स काफी अच्छा खेलते हैं, और देखिए चेन्नई के अंदर भारत का पहला मुकाबला शायद खेला जाएगा, और मैं मानता हूं कि अगर चेन्नई में अगर आप अच्छे स्पिनर्स के साथ उतरते हैं, हालांकि हमारे पास इसमें 2 लेफ्ट आर्म, तीनों लेफ्ट आर्म माने तो हम तीनों लेफ्ट आर्म, आप रविंद्र जडेजा की बात करें, चाहे अक्षर पटेल की बात करें, या फिर कुलदीप यादव, तीनों है तो लेफ्ट आर्म, लेकिन कुलदीप का अंदाज कुछ अलग है, चाइना मैन वो है, तो निश्चित तौर पर वो भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आदित्य, कप्तान रोहित शर्मा 2007 में उन्होंने डेब्यू किया, 2013 से वो भारतीय टीम के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। भारत के उन दिग्गज खिलाड़ियों में रोहित शर्मा का नाम शामिल है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक दूसरे दर्जे पर पहुंचाया है।
देखिए रोहित शर्मा नो डाउट दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से है और एक बार फिर से बीसीसीआई ने उन पर विश्वास जताया, उन्हें कप्तानी सौंपी वर्ल्ड कप की। और बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा, एक बड़ा टास्क होगा, क्योंकि जो देश यहाँ पर खेलने आएंगे अब वो भारतीय उपमहाद्वीप के विकेटों के आदि हो चुके हैं। आप देखिए एक समय था जब विदेशी जो टीम थी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, तो इन ये जो यहाँ के जो बल्लेबाज थे, जो बैटर्स थे, उनको भारतीय पिचों पर खेलने में थोड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है तो आप मानिए 4 से 5 महीने यहीं उनके गुजरते हैं और अब भारतीय पिचों के वो पूरी तरीके से आदी हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है भारतीय टीम के सामने वो आने वाला है कि जो बड़े बड़े नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के अंदर जो खिलाड़ी है उनको किस तरह आउट किया जाएगा। और रोहित शर्मा के सामने भी ये चैलेंज रहेगा। हालांकि देखिए रोहित शर्मा दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनसे बड़ा जो 15 ओवर में जब जिस तरह से वो गेम खेलते हैं, जिस तरह से वो शॉर्ट पिच बॉल को छक्के में तब्दील करते हैं, उनकी बल्लेबाजी पर कोई डाउट नहीं है। रोहित की बल्लेबाजी पर डाउट नहीं है, हालांकि लेफ्ट आर्म पेसर उनकी कमजोरी रही है और उसके सामने वो हमेशा जूझते हुए नजर आए। देखिए ये 15 सदस्यीय जो टीम है उसमें एक नाम ऐसा है जो इस समय अपने ड्रीम फॉर्म में चल रहा है, वो नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल एक ऐसा खिलाड़ी इस समय भारतीय क्रिकेट टीम में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। हर भारतीय को उनसे उम्मीद है कि इस बार अगर भारत वर्ल्ड कप को अपने नाम करता है तो उसमें एक बड़ी भूमिका शुभमन गिल की रह सकती है। देखिए आप शुभमन गिल पिछले जब रोहित शर्मा के साथ जब ओपनिंग पेयर के अंदर जब शिखर धवन आ रहे थे तो उस समय कोई दिक्कत नहीं थी ओपनिंग पेयर की, लेकिन जब शिखर धवन लगातार टीम से बाहर रहे तो नए नए प्रयोग लगातार ओपनिंग के अंदर यहाँ पर किए गए, सक्सेस नहीं हुए। लेकिन पिछले कुछ समय से शुभमन गिल लगातार ओपनिंग यहाँ पर कर रहे हैं और हालांकि लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने कमजोरी उनकी भी है, कई बार ये भारतीय बल्लेबाजों की कमी है, लेफ्ट आर्म पेसर्स की कमी, उनके जो जिस तरह से बॉल अंदर की तरफ आती है उसको खेलने में दिक्कत आती है। शाहिद शाह अफरीदी के खिलाफ हमने देखा जूझते हुए यहाँ पर नजर आए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर इस अपनी जो इस तकनीकी में अगर वो सुधार कर लेते हैं, इससे पार पा लेते हैं लेफ्ट आर्म के खौफ से, देखिए मैं तो खौफ ही कहूँगा क्योंकि जिस तरह से शाहिद शाह अफरीदी ने बॉल डाली थी तो खाता खोलने में शुभमन गिल को काफी समय लग गया था। बिल्कुल, अब बात करते हैं द रन मशीन विराट कोहली। विराट कोहली एक ऐसा नाम जो किसी भी गेंदबाज के लिए खौफ पैदा करने के लिए ही काफी है, क्रीज पर मौजूदगी तो कुछ और ही बयां करती है। देखिए T20 वर्ल्ड कप मुझे याद, मैं एक बात पहले आपको टोकूंगा, 2011 में युवा विराट कोहली थे, एक युवा जो टीम के साथ जुड़े और वर्ल्ड कप को चूमा, और आज एक अनुभव के साथ भारत के पूर्व कप्तान, इसके साथ ही द रन मशीन, क्या दबाव, क्या उनकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में, कैसा उनका। देखिए उस समय 2011 की जो टीम थी उसमें शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा दूसरा कोई जो उस समय स्क्वाड में थे, शायद रोहित शर्मा भी नहीं थे लेकिन विराट कोहली उस समय स्क्वाड के अंदर थे। और उस समय के विराट कोहली में और आज के विराट कोहली में काफी परिवर्तन आ चुका है, अब वो मैच्योर हो चुके हैं, उस समय सीख रहे थे, अब सिखाने की उसमें आ चुके हैं वो, अपने बल में इस तरह से अपने जो यंगस्टर्स हैं सूर्य कुमार यादव हैं, श्रेयस अय्यर है, ईशान किशन, किस तरह से उनको सिखाना है। लेकिन विराट कोहली के साथ भी कुछ समस्याएं चल रही है, लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने वो भी परेशान है, खासकर देखिए सेट जब हो जाते हैं विराट कोहली तो उसके बाद लेग स्पिनर्स के सामने वो अपना विकेट गंवा देते हैं सेट होने के बाद, कई बार वो आउट आर्म सीमर और लेग स्पिनर। एडम जंपा के खिलाफ हमने देखा था कई बार सेट हुए और उसके बाद राशिद खान ने उनका विकेट निकाला है, कई बार एडम जंपा ने उनका विकेट निकाला है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो ये स्ट्रेंथ है इसको मजबूत करने की जरूरत। बिल्कुल, 277 मैचों में 12,902 रन, 50 शतक और 65 शतक लगाने वाले विराट कोहली से इस बार उम्मीदें हैं कि वह भारत को एक बार फिर से तीसरी बार वर्ल्ड कप दिलाएंगे। बात करेंगे श्रेयस अय्यर, एक ऐसा बल्लेबाज जिसको पूरी जो टीम मैनेजमेंट है उस पर भरोसा है, श्रेयस अय्यर पर पूरा भरोसा है, लेकिन श्रेयस अय्यर को जब मौका मिल रहा है अपनी काबिलियत के साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे, लगातार इंजरी से अभी लौटे हैं और एशिया कप में भी हमने देखा एक मैच में
वो खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। नहीं देखिए, एशिया कप का जो पहला मुकाबला था काफी अच्छी बॉल, शॉर्ट पिच बॉल पे उन्होंने बहुत अच्छा शॉट मारा था, लेकिन वो सीधा बॉल फील्डर के हाथ में कैच था, तो वो कैच भी अच्छा था लेकिन शॉट भी उनका अच्छा था। एक शॉट से हम किसी खिलाड़ी को आकलन नहीं कर सकते। आईपीएल से दूर रहे, चोट के कारण दिल्ली की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में पूरा सीजन वो आईपीएल का नहीं खेल पाए, शायद घुटने की चोट के चलते वो बाहर थे, उनकी सर्जरी भी हुई। एशिया कप में कमबैक कर रहे हैं, संडे को मैच है, पाकिस्तान के साथ बड़ा मुकाबला है। श्रेयस अय्यर, और देखिए लगातार श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन को लेकर लगातार विवाद चलता रहता है कि दोनों में से किसको टीम में शामिल किया जाए, लेकिन एक बार फिर से मैनेजमेंट ने श्रेयस अय्यर पर यहां पर भरोसा जताया, और इससे पहले कई ऐसे बड़े मुकाबले हैं जिसमें अपनी काबिलियत उन्होंने साबित की। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर को मौके मिले हैं और इस बार टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि वह भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब बात करेंगे द 360 स्काई। स्काई वनडे में वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत मौके मिले हैं लेकिन उनका 24 का औसत है। हालांकि T20 के नंबर वन बल्लेबाज हैं, 360 खेलते हैं, T20 में तो ऐसा लगता है कि वो आउट कोई गेंदबाज उन्हें कर ही नहीं सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 मैच 3 डग पहली बॉल, उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसी नहीं है, उसके बाद उन्होंने कई 20 मैचेस खेले और काफ़ी अच्छे उन्होंने रन भी बनाए, शायद उनकी याद होता है इंग्लैंड में उन्होंने सेंचुरी भी T20 के अंदर मारी थी या उससे पहले या उससे बाद खेला गया। लेकिन देखिए, एक खिलाड़ी को हम किसी खिलाड़ी का फॉर्मेट तय नहीं कर सकते हैं। सूर्य कुमार एक ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर चौथे पांचवें नंबर पे वो अगर खेलने आते हैं, देखिए मेरी बात समझिए, चौथे पांचवें नंबर पे, और एक बड़ी पार्टनरशिप इससे पहले हो चुकी होती है और आपके पास सिर्फ 20 ओवर या 15 ओवर बच रहे हैं, तो फिर वो अपना कमाल वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो मिडिल ऑर्डर में इस तरह के बल्लेबाज की जरूरत है। देखिए, धैर्य के साथ भी ये बल्लेबाज खेल सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो फिर एग्रेसिव होकर भी काफी अच्छी बैटिंग ये बल्लेबाज कर सकता है। बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव एक ऐसा नाम है जो यदि चल पड़ा तो इस तूफान को रोकना किसी भी बॉलर के बस की बात। KL राहुल, एक ऐसी इंजरी जिसकी वजह से लंबे समय से वो क्रिकेट से दूर है, वर्ल्ड कप में उनको मौका दिया, हालांकि एशिया कप की भी स्क्वाड में उनको शामिल रखा गया लेकिन अब वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है। KL राहुल एक स्टाइलिश प्लेयर, टीम को जब भी जरूरत होती है वो सामने खड़े होते हैं और टीम को मुसीबत से निकालते हैं। ये देखिए, KL राहुल मुझे राहुल द्रविड़ की कई बार याद दिलाते हैं। राहुल द्रविड़ ने जब जरूरत पड़ी तो विकेट कीपिंग भी की, जरूरत पड़ी तो ओपनिंग भी की और जरूरत पड़ी तो मिडिल ऑर्डर में भी खेले, कुछ ऐसा ही KL राहुल के साथ भी देखने को मिल रहा है। ओपनिंग भी उन्होंने कई मैचों के अंदर भारत के लिए की है, मिडिल ऑर्डर में भी खेले, विकेट कीपिंग भी कई बार की है। रिलायबल है, काफी स्टाइलिश प्लेयर है, अगर क्रीज पे जम गए तो फिर आउट काफी मुश्किल से होते हैं, लेकिन स्कोर जो लंबा है वो शायद करने में उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप विश्वास जताएं खुद पर तो एक नया KL राहुल यहाँ पर देख सकते हैं, और अभी शायद एशिया कप की स्क्वाड से भी वो वापस जुड़ चुके हैं तो शायद, और जो है BCCI ने भी उनको जो है शायद इससे जोड़ दिया है, तो शायद संडे वाले जो मैच है पाकिस्तान के खिलाफ उसमें वो उतर सकते हैं मैदान में। बात करें दूसरे सबसे यंग प्लेयर जिन्होंने दोहरा शतक लगाया पाकिस्तान के खिलाफ, 82 रन बनाकर टीम मैनेजमेंट को ये मजबूर कर दिया कि वर्ल्ड कप में मुझे शामिल करो, क्योंकि पाकिस्तान जैसे अटैक के सामने जब भारतीय टीम पूरी तरीके से एशिया कप में लड़ खड़ा गई थी उस समय 82 रन की पारी के लिए वो है ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया। बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी वो मुझे बैटिंग याद है, सबसे तेज दोहरा शतक इन्होंने उस मैच के अंदर लगाया, और अब आप देखिए कि ईशान किशन ने अपनी काबिलियत साबित की है। चर्चा चल रही थी विकेट कीपिंग में किसे रखा जाए, किसे, संजू सैमसन का नाम भी कई बार आया, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो पारी खेली 82 रनों की जो पारी थी, एक समय इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे, संकट में थी इंडिया, लेकिन पांड्या और ईशान किशन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ थी, तो इसने बता दिया कि ऐसा यंगस्टर है मिडिल ऑर्डर में आकर कहीं भी, और देखिए ये ऐसा प्लेयर है जो ओपनिंग भी कर सकता है, बिल्कुल, तो कहीं भी आप इस प्लेयर को उपयोग में ले सकते हैं अपनी 11 में। देखो, बात करेंगे अब उस खिलाड़ी की, 2011 में एक नाम था युवराज सिंह, बैटिंग और बॉलिंग के इर्द गिर्द भारत की हर जीत युवराज सिंह के इर्द गिर्द घूमती रही,
और अब वो नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एक ऐसा ऑलराउंडर जो इस समय इस दुनिया के सबसे टॉप ऑलराउंडर में गिना जाता है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, तेज गति से रन बनाना हो या फिर बॉल की स्पीड हो, मेंटेन करके रख रहे हैं। हार्दिक पांड्या की भूमिका इस स्क्वाड में कैसे देखिए बिल्कुल हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में शामिल करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आप बल्लेबाजी के साथ साथ ये गेंदबाजी की जो कमी है वो भी यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। आईपीएल में उनको कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया तो आपने देखा कि फाइनल में वो अपनी चेन्नई के सामने वो खेले, अपनी गुजरात की टीम को लेके गए, उन्होंने जीत हासिल की, एक बार रनर अप रहे। तो देखिए इन्होंने साबित किया है कि अगर कोई भी जिम्मेदारी इनको दी जाएगी तो निश्चित तौर पर उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से बैटिंग हाल ही में उन्होंने की है, तो उससे इनकी काबिलियत पर सवाल जो है वो शायद खड़े नहीं किए जा सकते। मुझे आपने आईपीएल की बात कही, आईपीएल में मुझे वो फाइनल याद आ गया, एक कप्तान एक गेंदबाज के पास जाता है, मोहित शर्मा जिसकी कह सकते हैं कि उनका अंतिम ओवर भारी पड़ा, रविंद्र जडेजा ने एक छक्का एक चौका मार के दो गेंदों पे 10 रन, जिस हिसाब से मोहित शर्मा को उन्होंने दिलासा दिलाया, गले लगाया, कप्तान की उनमें जो खूबियां हैं वो नजर आ रही है। बिल्कुल, ठीक है, अब बात करेंगे सर रविंद्र जडेजा, वही तलवार लहराएगी। बिल्कुल, रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स जिस तरह से उनकी बॉल है, कई बार सीधी निकल के कब गच्चा बैट्समैन को दे जाती है आप समझ नहीं पाते हैं। और कुछ मुझे वो मैच याद है वर्ल्ड कप वाला सेमीफाइनल में जब हम न्यूजीलैंड के सामने धराशायी हो गए थे, लेकिन जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने उस मैच में बैटिंग की थी, शायद आपको याद होगा। बिल्कुल, किस तरह से उन्होंने बाहर निकल के जो छक्के मारे थे चौके मारे थे, थोड़ी देर और खड़े रहते तो शायद कुछ और होता, धोनी का रनआउट उस मैच में सबको याद है, तो शायद रविंद्र जडेजा की। बिल्कुल, हालांकि रविंद्र जडेजा की बैटिंग और बॉलिंग बहुत शानदार है, लेकिन जब फ्लैट पिच आती है तो रविंद्र जडेजा अपने पूरे रंग से गायब हो जाते हैं। देखिए बॉलर के लिए काफी दिक्कत होती है फ्लैट पिच पे बॉलिंग डालना, स्पिन प्राप्त करना, स्विंग प्राप्त करना, लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये बल्लेबाजी में भी कमाल दिखा सकते हैं उसी फ्लैट पिच पे। लॉर्ड ठाकुर एक और ऑलराउंडर की बात यहाँ पे आप सेमी ऑलराउंडर कह सकते हैं उनको। नहीं, देखिए जिस तरह से अब वो बैटिंग करने लगे हैं पिछले कुछ मुकाबलों में हमने देखा है, चाहे शार्दुल ठाकुर हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो, जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह शाहीन आफरीदी को पिछले मैच में चौके मारे, मैं तो कहूंगा कि एक ऑलराउंडर की अच्छी जो है नस्ल तैयार हो रही है इंडिया टीम इस बार। गेंदबाज भी अक्षर पटेल बैटिंग में भी हमेशा खड़े उतरे हैं, बॉलिंग तो उनकी बहुत अच्छी है, हालांकि विकेट थोड़े से उनके जो वो कॉलम है उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं कि 14 मैच में 14 विकेट ज्यादा मौका नहीं। लेकिन बैटिंग की अगर बात की जाए तो 52 मैच में 413 रन, एक अच्छा मौका अक्षर पटेल के पास। बिल्कुल, बहुत नीचे खेलने यहाँ पर आते हैं और मैनेजमेंट वैसे तो इनकी जो गेंदबाजी है उस पर विश्वास जताकर हाथ शायद इनको टीम में शामिल किया गया है, लेकिन ये गेंदबाजी से बल्लेबाजी से भी कमाल दिखा सकते हैं। आईपीएल में हमने कुछ मैचेस देखे जिस तरह से इन्होंने फिनिश किए थे, तो निश्चित तौर पर इसी के चलते इन पर विश्वास जताया गया। अब आपके पास हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर जैसे चार अच्छे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाद वापस कमबैक किया है, एशिया कप में लय में नजर आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम यदि वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रही है अपने होम ग्राउंड पर, अपने घर में, जसप्रीत बुमराह की क्या भूमिका रह सकती है? देखिए इंजरी, लंबे समय से इंजर्ड रहे और वापसी की तो कप्तान बनकर लौटे टीम में, कप्तानी की उन्होंने आयरलैंड दौरे पर जब इंडिया गई और उन्होंने बताया कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, अपने स्पेल डाले, काफ़ी शानदार वो नज़र आ रहे थे, और मैंने आपको बताया कि अब बैटिंग भी करना उन्होंने शुरू कर दी है। स्टुअर्ट ब्रॉड को जिस तरह 35 रन उन्होंने एक ओवर में मार दिए थे, तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर मौका मिला नीचे तो ये बल्ले गेंदबाजी में तो सटीक यॉर्कर है इनकी, ये बल्लेबाजी में भी कमाल जरूर दिखाएंगे। एक ऐसा नाम गेंदबाजी में भारत का दूसरा पेसर जिस पर इस समय भारतीय टीम पूरी तरीके से भरोसा करती है वो है मोहम्मद सिराज। जब से डेब्यू किया है तब से पलट के नहीं देखा है मोहम्मद सिराज।
बिल्कुल, आप देखिए बेंगलोर की टीम में ये खेलते हैं, विराट कोहली ने इन पे काफ़ी भरोसा जताया और उस भरोसे पर वो खरे भी उतरे और भारतीय टीम में इन्होंने जो है वापसी तो क्या कहेंगे कि अपनी एक जगह अब पक्की कर ली है। पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा कि मोहम्मद शमी को अपना गुरु मानते हैं ये मोहम्मद सिराज, और गुरु को हटा के चेले को वहाँ पर प्लेइंग 11 में शामिल किया टीम में, तो मैं मानता हूँ कि इनमें स्ट्रेंथ है, डेथ ओवर में विकेट्स ले सकते हैं, शुरुआत में अगर इनको बॉल थमाई जाती है तो वहाँ पर ये विकेट निकाल सकते हैं, तो बहुत बड़े गेंदबाज मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के लिए। देखिए बात यहाँ पर अगर हो रही है, और इस समय दो ही हाईएस्ट विकेट टेकर जो इंडिया के लिए वर्तमान में खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा 163 विकेट और मोहम्मद शमी 163 विकेट। मोहम्मद शमी एक ऐसे गेंदबाज जो हमेशा शॉर्ट लेंथ की बॉलों पर यकीन करते हैं, बाउंसर से पहले चमकाते हैं और उसके बाद विकेट लेने में यकीन रखते हैं। मोहम्मद शमी की भूमिका कैसे रह सकती है, क्योंकि सिराज, बुमराह और शमी तीनों में काफ़ी टक्कर रह सकती है, क्योंकि ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या मौजूद है, तो दो ही फास्ट बॉलर पर। देखिए मोहम्मद शमी सबसे सीनियर गेंदबाज है इस टीम में फिलहाल अभी। हाँ, फिलहाल सबसे, तो गाइडेंस उनकी जरूरी है टीम के लिए कि किस तरह से बॉलिंग अटैक होगा, किस तरह की पिच है तो किस तरह की बॉलिंग उस पर डाली जाएगी, तो बहुत काबिलियत है। 163 विकेट इन्होंने लिए हैं वनडे में। पिछले कुछ समय से शॉर्ट बॉल काफी आजमा रहे हैं फ्लैट पिच पर, हालांकि इनको मार पड़ती है, लेकिन अगर कहीं बॉल थोड़ी सी भी हिली उसके बाद फिर ये अपना कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं। तो एक सीनियर ऐसा गेंदबाज टीम में होना जरूरी है जो अपने तेज गेंदबाजों को गाइडेंस दे सके। बिल्कुल, 14 खिलाड़ियों की यहाँ पर हम बात कर चुके हैं। ये 14 खिलाड़ी वो हैं, या तो वो प्योर बैट्समैन हैं या प्योर ऑलराउंडर हैं। अगर बात की जाए शमी, और आपने कहा बुमराह और शार्दुल भी ऑलराउंडर ही हैं, शमी हालांकि नहीं, एक प्योर स्पिनर जिसको टीम में जगह दी गई है, कुलदीप यादव, चाइना मैन बॉलर, और जब भी टीम में जगह मिली है तब तब उन्होंने अपनी जगह को टीम मैनेजमेंट के फैसले को सही साबित किया। बिल्कुल, देखिए यजुवेंद्र चहल और काफ़ी जब टीम की घोषणा की गई तो चहल और कुलदीप को लेकर कई तरह के सामने आए थे कि आखिर चहल को शामिल क्यों नहीं किया गया। चहल अच्छे बताया जा रहा था कि अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन देखिए कुलदीप के पास कई वेराइटीज़ हैं। चहल की बात करें तो या तो गुगली डालेंगे या लेग स्पिन डालेंगे, लेकिन यह चाइना मैन है तो सामने अगर बैट्समैन होगा तो उनको खेलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि दुनिया में इस समय गिने चुने चाइना मैन है। मेरे हिसाब से शायद अफ्रीका में जो शमशी हैं वो एक चाइना मैन है, दूसरे कुलदीप यहाँ पर है, तीसरा कोई ऐसा बड़ा नाम अभी तक किसी के पास है नहीं। तो एक समय अगर स्पिन भारतीय पिचों पर स्पिनर का बॉल अगर कहीं टर्न लेना शुरू होती है बॉल, तो उसके बाद अपने रंग में जरूर यहाँ पर कुलदीप दिखेंगे, और देखिए कुलदीप बैटिंग भी ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ हमने उन 15 खिलाड़ियों की बात की है जिसको टीम में जगह मिली है। एक नाम जो मेरे हिसाब से क्रिकेट प्रेमियों के मन में भी खटक रहा है वो है संजू सैमसन। 28 साल के हो चले हैं, कई बार वनडे जो मुकाबले हैं मौका मिला है, वर्ल्ड कप में उम्मीद थी कि संजू सैमसन को जगह मिलेगी, लेकिन एक बार फिर से 15 सदस्यीय इस दल से संजू सैमसन का नाम नदारद है। क्या ईशान किशन और शुभमन गिल जो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर, मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर ऋषभ पंत फिट होते तो शायद ईशान किशन नहीं, सिलेक्शन पे नहीं, भी थोड़ा सी संशय खड़ा हो सकता था, लेकिन इस समय और देखिए टीम में लेफ्ट आर्म जो बैट्समैन है वो भी शायद ईशान किशन ही है अभी फिलहाल, इस वजह से एक वरीयता जो है एक अलग चीज उनकी निकल के सामने आ रही है, तो शायद जो बीसीसीआई ने है वो भरोसा ईशान किशन पे जताया है। संजू सैमसन को कई मौके मिले, हालांकि 20 के अंदर उनको ज्यादा मौके मिले हैं, वनडे में इतने मौके अभी तक वनडे में भी, लेकिन 55 की औसत से जितने भी मौके मिले हैं 55 की औसत से रन बनाए हैं, लेकिन वही बात सामने आई कि एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर जो लेफ्टी भी हो और जो लेफ्टी भी हो तो एक एडवांटेज ईशान किशन के पास ये था, शायद उसके चलते ईशान किशन पर भरोसा जो है वो टीम प्रबंधन ने जताया है। बिल्कुल, टीम प्रबंधन ने अगर बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को संजू सैमसन पर वरीयता दी है।
बात हमने 15 खिलाड़ियों की है। 2011 में जब भारतीय टीम अपने घर में वर्ल्ड कप में के लिए उतरी थी तो एक जो टीम थी उसने टीम की तरह खेला और श्रीलंका को हराते हुए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वह अपनी झोली में डाली। तो वहीं 12 साल के बाद एक बार फिर से क्रिकेट प्रेमियों को पूरी उम्मीद ही नहीं, उनको विश्वास है कि भारतीय टीम एक बार फिर से वर्ल्ड कप को चूमेगी। साथ ही जो 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, ये टीम उनको वर्ल्ड कप जिता कर लाएगी। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।